मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पहाड़ों में तो सुबह हो चुकी है और मौसम काफ़ी बेईमान हुआ है। यहाँ पहाड़ों में देखिए पूरा मौसम ढका है बादलों से और धूप का नामो निशान नहीं है। पूरे बादल छाए हुए हैं, ठंडा काफ़ी हो रहा है, बारिश तो हो नहीं रही है। अभी परसों की बारिश से ही देखिए कितनी नमी यहाँ पर बनी हुई है खेतों पर। तो इस प्रकार का अभी मौसम है पहाड़ों में सुबह के टाइम। तो दिन स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ होने वाला है ब्लॉग में। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए गाइस ब्लॉग स्टार्ट कर। तो दोस्तों देखिए मौसम कुछ इस प्रकार हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ कसैली साइड पे, जा रहा हूँ चौखुटा की साइड पे। आपने देखा किस तरह से हम लोग चले हैं और साथ में तारू भाई गिट्टी ले जा रहे हैं गाय के लिए। तो इस प्रकार की सड़कें हुई हैं, आप देखिए यहाँ पे अभी डामरीकरण हुआ नहीं है इस पर। 5 साल पूरे होने वाले हैं तो डामरीकरण हो जाएगा, तो रोड बढ़िया बन जाएगी ये वाली। और मुझे ये कॉटेज बड़ा मस्त लगता है क्योंकि ये देखिए एकदम हार्ड रॉक पर बना हुआ कॉटेज है। बड़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से यह कॉटेज बनाया हुआ है और देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी हार्ड रॉक पे ये कॉटेज खड़ा गया हुआ है। कैसे खोदा होगा, कैसी इसकी नींव रखी होगी और आज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो दोस्तों पहुंचने वाला हूं, सामने है चौखुटा का हमारा सहमजू का मंदिर, तो वहीं पे हमारी साइड चल रही है और खूबसूरत मंजर, खूबसूरत दृश्य आज हुआ है। मौसम काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है, आज बढ़िया व्यू आ रहा है, ठंडा उतना है। तो मैं आ गया हूँ चौखुटा वाली साइड पे और यहाँ पर काम चला हुआ है सुबह के टाइम में। अभी क्योंकि मौसम तो मैंने आपको दिखाया है, मौसम जिस प्रकार हो रहा है और देखते हैं मौसम हमारा साथ दे पाता है नहीं दे पाता है। रिटेनिंग वॉल का कार्य चला हुआ है और पीछे जला रहा है दीपक आग, थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, मौसम काफ़ी डेंजर हुआ है, मैंने सुबह से आपको दिखाया। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर काम चला हुआ है रिटेनिंग वॉल चिनाई का और पास में यहाँ पर दीपक जला रहा है आग, ठंडा हो रहा है। मौसम कुछ इस प्रकार हुआ है, अभी देखिए पूरे आसमान में क्लाउड छाए हुए हैं, बढ़िया मौसम हुआ है। बारिश बर्फ़ का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि 2-3 दिन से मौसम ऐसा ही कर रहा है। बारिश तो हो गई थी परसों लेकिन बर्फ़ नहीं गिर पाई, बर्फ़ लास्ट उसी दिन गिरी थी 31 तारीख को लास्ट में, वो भी थोड़ा बहुत। तो काम यहाँ पे चला हुआ है, कल जितना काम हुआ था आपने देखा ही। तो देखते हैं दिन भर कितना और यहाँ पर काम हो पाता है, मौसम हमारा कितना साथ देता है। तो मैं आपको पूरी फुटेजेस यहाँ पर दिखाऊँगा। तो दोस्तों काम तो चला हुआ है, मौसम कुछ अभी ऐसा है और सामने धानाचुली जो साइड है, धानाचुली सुंदर खा ले लिया, यहाँ पे होने लगी है बारिश और हमारा काम अभी चला हुआ है। देखते हैं मौसम हमारा साथ दे पाता है नहीं दे पाता है क्योंकि बारिश तो पूरी हो रही है। आपको छींटे दिखाता हूँ बारिश के और सामने बन रही है हमारी चाय। ये देखिए बारिश के छींटे हल्के दुल्के यहाँ पर भी आने लगे हैं और देखते हैं काम हो पाता है नहीं हो पाता है, रिटेनिंग वॉल की चिनाई आगे हो पाती है नहीं हो पाती। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ उधर का मौसम। तो फ्रेंड ये देखिए ये जो सामने पूरा एरिया है ये है धानाचुली सुंदरखाल एरिया, यहाँ पे लग गई है बारिश और यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी देखिए आप देख सकते हैं छींटे आने लगे हैं बारिश के, बारिश शुरू हो चुकी है। लगता है काम को देखना पड़ेगा, काम हमारा हो पाता है नहीं हो पाता है। मौसम सुबह से ही जैसा बना था मैंने आपको दिखाया है, मौसम कुछ इस प्रकार 2-4 दिन से पहाड़ों में मौसम कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है क्योंकि ठंड के दिन भी हैं, महीना है बर्फ़ का, तो देखिए बारिश हो पाती है नहीं हो पाती है। और वहाँ आ चुकी है बारिश और ये महेश भाई ले जा रहे हैं चाय को ऊपर, स्टोर में बनाएंगे चाय को, ऊपर चलते हैं अभी स्टोर में चाय बनेगी, चाय पीते हैं और बारिश को देखते हैं कि ज़्यादा आती है कम आ पाती है बारिश। मौसम काफ़ी सुंदर हो चुका है, बारिश आने लगी है। तो दोस्तों मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है पहाड़ों में और मेरे पीछे भी देखिए जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ भी आपको बारिश थी, हल्की धुंध आपको दिख रही होगी, ये सारी बारिश है। और जो अभी पीछे एरिया भाई को देखें, जो पीछे एरिया दिख रहा है ये है धानाचुली एरिया, यहाँ भी बारिश काफ़ी हो रही है, बारिश हो रही है। मैं हूँ चौखुटा साइड पे, अभी काम हो पाना काफ़ी मुश्किल है, काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो चलेंगे घर की तरफ के लिए, थोड़ी देर बारिश रुकने देखते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी काम जो हो रहा है लास्ट में, हमारा मसाला रह गया है, मसाला थोड़ा रिटेनिंग वॉल के ऊपर हम बिछाते हैं और फिर उसको तिरपाल से ढक देंगे और काम बंद करना पड़ेगा। तो मैं आपको मौसम दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों ये देखिए मौसम जो अभी हो रहा है काफ़ी ख़तरनाक मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है, लगता है आज देखिए क्या होता है। और जो ये नीचे आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं ये देखिए इस पर बिछाएगी तिरपाल, मसाला हमने फिलअप कर दिया है, काम यहाँ पर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसी बारिश में पत्थर का काम है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। व्यू देखिए बारिश पूरी आ चुकी है, खतरनाक मौसम हो चुका है अभी पहाड़ों पे भाई, खतरनाक ठंडा। भाई को देखिए जाड़े से कैसी हालत हो रखी है इसकी, तो काम हो पाना ऐसे में मुश्किल है। हम तिरपाल यहाँ पर फ्लिप करते हैं तो उसके बाद निकलेंगे, खतरनाक मौसम पहाड़ों। तो अभी मौसम यानी कि बारिश बंद हो चुकी है,
थोड़ी बहुत बारिश अभी हुई थोड़ी देर पहले। मैं जा रहा हूँ अभी कस्यालिक की तरफ और सामने देखिए नज़ारा, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देखिए। और सामने जो देखिए पूरी घाटी पे बादल उतर आए हैं, तो और ये जो सामने पूरा सा घर देख रहे हैं लोगों का, ये है मेरा गाँव। तो चलता हूँ अभी कस्यालिक की तरफ को, और सामने में जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये है कस्यालिक। तो चलता हूँ, बारिश थोड़ी बंद हो चुकी है और मौसम देखिए, आसमान में देखिए बादल पूरे छाए हुए हैं, काले बादल एकदम, बारिश देखिए फिर होने की संभावना है। अभी हूँ मैं नीलकंठ रेस्टोरेंट की छत पे जो कस्यालिक मार्केट पे पड़ता है, और देखिए खूबसूरत मौसम हो चुका है, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। माहौल देखिए क्या कहता है मौसम, आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा, बर्फ़ गिरेगी बर्फ़ नहीं गिरेगी कमेंट में शेयर करिएगा। ये है हमारा मंदिर शिवालय जहाँ मैं अभी चलता हूँ, और आपको सामने मुक्तेश्वर घाटी है वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, मैं कस्यालिक मार्केट के नज़ारे दिखाता हूँ। पहले बारिश देखिए, सुबह से बारिश हो रही है, ये माहौल है अभी कस्यालिक मार्केट का फ्रेंड। ये देखिए थोड़ी बहुत सैलानी भी यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़ी बहुत लोकल पब्लिक भी निकली हुई है, काफ़ी सुनसान मामला हुआ है अभी कस्यालिक मार्केट में, और भरपूर बारिश हो रही है अभी देखिए। मज़ा आ गया पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम को देख के, इसी तरीके का खूबसूरत माहौल पहाड़ों से देखने को मिलता है, इसी तरीके का खूबसूरत मौसम आजकल ठंड के दिनों में पहाड़ों में होता है। देखिए खूबसूरत मौसम, हवा चल रही है काफ़ी। पहुंच चुका हूं कस्यालिक मार्केट पे, ये देखिए कस्यालिक मार्केट का एक नज़ारा, और सामने मुक्तेश्वर घाटी, आपको पूरे क्लाउड नज़र आ रहे होंगे मुक्तेश्वर घाटी के ऊपर, बहुत सुंदर बहुत प्यारा खूबसूरत माहौल बना हुआ है, बढ़िया व्यू आ रहा है, बारिश भी हो रही है। अब देखिए मौसम हमें क्या कहता है, और दो तीन दिन से चार पाँच दिन से तो वैसा ही हो रहा है मौसम, कुछ कभी बाद बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, आज देखिए सुबह से बना हुआ है मौसम, तो किस प्रकार मौसम होता है। तो मैं हूँ अभी शिवालय मंदिर में, मैं निकलूँगा घर की तरफ को, और शाम तक आपको अपडेट करते रहूँगा मौसम। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, मैं घर जा नहीं पाया और कस्यालिक में ही रुका हुआ हूँ, बारिश अभी भी चली हुई है आप देखिए, और सामने मुक्तेश्वर घाटी, वहाँ पर भी घनघोर बादल छाए हुए हैं और पता नहीं चल रहा कि वहाँ पर भी कुछ दिख पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो रुकता हूँ थोड़ी देर, और अभी और थोड़ी देर में आपको व्यू दिखाऊंगा कि बारिश रुकती है नहीं रुकती है। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और बारिश रुक चुकी है, सामने मुक्तेश्वर घाटी में थोड़ी सी धूप की झलक देखने को मिली है शाम के समय में, और बादल पूरे घिरे हुए हैं आसमान में, तो अभी शांत माहौल है, बारिश थोड़ी रुकी हुई है, बर्फ़ तो गिर नहीं पाई, लग रहा था कि बर्फ़ गिरेगी। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, मैं चल रहा हूँ घर की तरफ को, और देखिए सभी ने अपनी घरों की लाइट जला दी है और मौसम एकदम शांत हो चुका है, पूरा मौसम खुल गया है। जिस तरीके से सुबह से बारिश हो रही थी लगता था बर्फ़ गिरेगी लेकिन गिर नहीं पाई। तो ये था हमारा आज दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।